आईपीएल 2022 का 39th मैच जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। आपको इस वीडियो में दो टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और सबसे खास बात आपको इस वीडियो में पर्सनल प्रेडिक्शन बताया जाएगा। मुझे क्या लगता है इन दो टीमों में से कौन सी टीम जो इस मैच को जीत सकती है, तो वीडियो को पास जरूर देखें। वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर इस पूरा देख लेते हैं तो आपको इस मैच के बाद कोई और दूसरी वीडियो देखने जो जरूर जो नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पास जरूर, उससे पहले भी कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर जो कर ले। और हाँ, अगर आप भी टॉस और मैच प्रेडिक्शन जाना चाहते हैं तो आप जो मोहित भाई से भी कॉन्टैक्ट जो कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर और जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बता दूं काम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। अगर इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, इन दो टीमों के बीच लास्ट के 10 मैचेस खेले गए हैं, उसमें से 7 मुकाबलों में जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत मिली हुई, 3 मुकाबले जो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है जीती है। आपको बता दूं इन दो टीमों को जो लास्ट मैच खेला था, खेला गया था 5 अप्रैल 2022 को आईपीएल 2022 के सीजन में, जिस मैच में हुआ गया राजस्थान रॉयल्स की टीम जो पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में जो 169 रन बना जो केवल 3 विकेट ही खोए। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जब इस लक्ष्य का पीछा कर रहे, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जो इस लक्ष्य को 19 ओवर 1 गेंद खेली, इस लक्ष्य को पूरा कर ली, 173 रन बना दी और केवल 6 विकेट ही खोए, ठीक है। परिणाम स्वरूप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जो इस मैच को 4 विकेटों से जीत गए। लास्ट मैच जो इन दोनों के बीच हुआ था ना, वो कौन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जो है जीत कर आ रही है। वहीं बात करें दोनों टीमों की लास्ट मैच की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम लास्ट मैच सनराइजर हैदराबाद के साथ खेली थी, जिस मैच में हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो नहीं केवल 16 ओवर 1 गेंद ही खेली, अपना 10 विकेट खो दिए और केवल जो है केवल 68 रन ही बना पाई, 68 रन ही बना पाई, ठीक है। जब सनराइजर हैदराबाद की टीम जब इसका पीछा करने होती, सनराइजर टीम जो इतने आसान लक्ष्य को यार 8 ओवर में पूरा कर ली, 72 रन बना दिए और केवल अपने 8 विकेट ही खोए। परिणाम स्वरूप जो सनराइजर हैदराबाद की टीम इस मैच को जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 9 विकेटों से जो है जीत गई। लास्ट मैच जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बहुत ज्यादा बुरी तरह जो है हार कर, किससे, सनराइजर हैदराबाद की टीम से। बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान अपने पिछले मैच में धमाका करके आ रही है। लास्ट मैच दिल्ली कैपिटल के साथ खेली, जिस मैच में हुआ क्या था राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल्स की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो 222 रन बना दी और अपने केवल 2 विकेट ही खोए। सोचो 222 रन बना दिए, केवल 2 विकेट ही खोए। जब दिल्ली कैपिटल की टीम जब इसका पीछा करूँ, दिल्ली कैपिटल की टीम में 20 ओवर में जो है केवल 207 रन ही बना पाई और अपने 8 विकेट जो खो दिए। परिणाम स्वरूप जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच को 15 रनों से जीत गई। लास्ट मैच जो राजस्थान रॉयल्स खेली थी वो जीत कर आ रही है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स अपना लास्ट मैच हार कर, वही राजस्थान रॉयल्स अपना लास्ट मैच जो है जीत कर आ रही है। दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, भले ही जो राजस्थान रॉयल्स नहीं रॉयल चैलेंजर्स की टीम जो बाजी मारते दिखा रही है, बट यहाँ पर जो है राजस्थान रॉयल्स का भी रिसेंट फॉर्म जो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत तगड़ी टीम लग रही है। बट किसी मैच जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म मायने नहीं रखता है, ठीक है। और बहुत सारे रिकॉर्ड मायने रखते हैं, इस मैच में कुछ अलग भी होने वाला है। क्या अलग होने वाला है, क्या है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा जरूर देखो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट के, पिच की बात करते हैं। ये जो मैच है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जो खेला जाएगा, अगर इस स्टेडियम की पिच की बात करते हैं, तो पिच का जो फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 161 रन का, सेकंड का जो एवरेज स्कोर है 140 रन का। वहीं आपको पता है इस पिच पे लास्ट के 44 मैचेस जो खेले गए हैं ना, 50% मैच जो है पहले बैटिंग करने है टीम जो कि 50% मैच जो है चेस करे टीम जीतने का मामला यहाँ पे 50-50 का ही रहता है, चाहे कोई भी टीम पहले बैटिंग करे चाहे कोई भी टीम जो है चेस करे। वहीं आपको पता है इस पिच पर जो लास्ट मैच खेला हुआ खेला चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन्स के बीच 17 अप्रैल 2022 को, यानी कि आईपीएल 2022 के सीजन में खेला गया, जिस मैच में हुआ गया था चेन्नई सुपर किंग की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 169 रन बना दी और केवल अपने 5 विकेट ही खोए, ठीक है। जब गुजरात टाइटन्स की टीम जब इस पीछा कर, गुजरात टाइटन्स टीम जो 19 ओवर 5 गेंद खेली 170 रन बना दी और अपने 7 विकेट भी खोए। परिणाम स्वरूप जो है गुजरात टाइटन्स की टीम जो इस मैच को 3 विकेटों से जो जीत गई, यानी कि लास्ट मैच जो इस पिच पर हुआ था ना, वो कौन, चेस करने टीम जो जीत कर आ रही है। बट इससे पहले इस पिच पर बहुत सारे मैच ऐसे भी हुए जिसमें पहले बैटिंग करने जीत कर आ रही है, बट राजस्थान को पता है राजस्थान रॉयल जो है अभी तक जितने मैचेस भी जीते ज्यादातर मैचेस जो पहले बैटिंग करते हुए जीती है। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अभी तक जितने मैचेस भी जीती है ज्यादातर मैचेस जो चेस करते हुए जीती है, ठीक है। जो भी टीम जो इस पिच पे टॉस को जीते हुए, आपको क्या एक ही फैसला लेते हुए दिखाई देगी, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आईपीएल में टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का। अभी तक आईपीएल में एक ही टीम है जो जो पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, गुजरात टाइटन्स। हो सकता है इसमें भी आप इस मैच में भी आपको जो है ये फैसला थोड़ा हिलता डुलता या बदलाव होते दिखाई दे सकता है। हो सकता है अगर राजस्थान रॉयल्स में टॉस जीती है तो आपको जो पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैच राजस्थान रॉयल्स जीते पहले बैटिंग करते हुए
ट्रॉफी जीती है, वो अगर रॉयल चैलेंजर्स में टॉस जीतेगी तो वो क्या करने का फैसला लेगी, चेस करने का फैसला लेते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, क्या क्या होने वाला सारा मैं आपको बताऊंगा, वीडियो जरूर से देखो। ठीक है, चलिए बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग के बारे में, कैसे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 प्लेइंग की बात। सबसे पहले तो बात कर लेते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं फैफ डुप्लेसी और अनुज रावत या महिपाल लैमरोर में से कोई एक खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। थर्ड नंबर खेलते दिखाई देते हैं विराट कोहली, फोर्थ नंबर ग्लेन मैक्सवेल, फिफ्थ नंबर पे सूर्यास प्रभु देसाई, वहीं सिक्स नंबर पे शहबाज अहमद, वहीं सेवंथ नंबर पे दिनेश कार्तिक, एक नंबर पे इंदु हजरा, नाइन्थ नंबर पे हर्षल पटेल, टेंथ नंबर पे जॉस हेजलवुड, वहीं इलेवंथ नंबर पे मोहम्मद सिराज। तो ऐसी तो इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 में बात करें राजस्थान रॉयल्स की जो प्लेइंग 11 की, तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं जॉस बटलर, डेविड पडिकल, थर्ड नंबर खेलते दिखाई दे संजू सैमसन, फोर्थ नंबर पे सिमरन हेटमेयर, वहीं कितने फिफ्थ नंबर पे करण नायर, वहीं सिक्स नंबर पे रियान पराग, सेवंथ नंबर पे रविचंद्र अश्विन, एट नंबर पे ट्रेंट बोल्ट, नाइन नंबर प्रसिद्ध कृष्णा, टेंथ नंबर ओबिड मैक्यो या नवजीत सिंह को एक खेल तो दिखाई दे सकते हैं, इलेवंथ नंबर भी युवेंद्र चहल। तो ऐसी होते मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग आपको बता दूँ पॉसिबल प्लेइंग 11 में, इस प्लेइंग में कुछ भी बदलाव होता है उसका पता जो आपको टेलीग्राम चैनल जाएगा मैच सुनो से पहले, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल जो उसे ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए बात के दोनों मैच को कौन सी जीत से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसके मोहित भाई के, अगर आप भी टॉस मैच प्रेडिक्शन जाए आप इनसे भी कॉन्टैक्ट जो कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर और ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें दोनों टीमों की तो दोनों टीम रिकॉर्ड्स और स्टैट्स को देखने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में आपको कौन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, बट आपको एक बात का ध्यान रखना प्लीज इस मैच की जो फाइनल अपडेट है ना, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ठीक है, दोनों टीमें मजबूत है, राजस्थान में थोड़ा ज्यादा ही मजबूत है, बट अगर मेरे को उस मैच में कुछ भी बदलाव करना हुआ, मैच के प्रेडिक्शन में कुछ भी बदलाव करना हुआ तो इसका पता आपको टेलीग्राम चैनल मैच शुरू होने से पहले। ठीक है, मैच के फाइनल प्रेडिक्शन, मैच के फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, मैच से पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन कर, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया। टेलीग्राम पे जाने से पहले अभी तक लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर जो कर दे, मिलते हैं उसके बाय।